सलाम वालेकुम। आज हम गोश्त बनाने जा रहे हैं, रोगन जोश जिसे बोलते हैं। और उसके लिए हमने ये सब सामान लिया। हमने 1 किलो गोश्त लिया है, ऐसे बोटियों का गोश्त है, और 250 ग्राम प्याज लिए, और 250 ग्राम दही लिए उसके लिए, और कुछ मसाले लिए। हम पोटली वाला बनाएंगे, यखनी वाला। और उसके यखनी के लिए हमने 2 तेज़पात के पत्ते लिए, 1 चम्मच हमने सौंफ लिए, और 1.5 चम्मच हमने धनिया लिया साबुत, और 1 जवतरी का टुकड़ा लिया है आधा, और 3 बड़ी इलायची लिए और 3 छोटी इलायची लिए। ये पोटली में जाएगा, और नमक जाएगा आधा टीस्पून। ये सब यखनी के लिए है, बोल तो दिया 1.5 चम्मच। और ये मसाले हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच टीस्पून चाय का जो होता है वो सॉल्ट पाउडर लिया है हमने, अदरक पिसा हुआ। आपके पास नहीं हो तो आप अदरक लहसुन पिसा हुआ डाल सकते हैं अदरक। और 1 से 1.5 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिए, ये कलर के नहीं लिए। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे मसाले के। गोश्त में हम डाल देंगे आधा टीस्पून, आधा टीस्पून ये है नमक, 1 टीस्पून हो गया 1 किलो में। और कुछ मसाला पीस के डालेंगे। हमने 1 चम्मच सौंफ लिए साबुत, और 1 टीस्पून हमने जीरा लिया है साबुत जीरा, और 3 बड़ी इलायची, और 2 टुकड़े इसके लिए हमने जावित्री के, और 5 से 6 छोटी इलायची हैं, और 2 टुकड़े ये दालचीनी के हैं। ये पीस के जाएगा मसाला। और ये दिखाते हैं, 5 से 6 चम्मच हमने गरम करने के लिए रख दिया है तेल। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। इसमें प्याज फ्राई करेंगे पहले, अगर चाहे आपके पास पहले से फ्राई हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। प्याज फ्राई हो जाएगी गोल्डन कोरमे की तरह, करना ही इसे बिल्कुल। के साथ साथ हम मसाले की पोटली बना लेते हैं। देखिए, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री और धनिया और सौंफ। इसकी थोड़ी लूज सी पोटली बना लेते हैं, ज्यादा टाइटली ना बनाए, नहीं तो उसका सारा मजा निकलता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लूज ही बना है। ये देखिए कितनी लूज है बिल्कुल, बस ये निकलेगा नहीं मसाला। और सारे साबुत मसाले यूं ही निकाल के फेंक देते हैं, इसीलिए इसकी खुशबू हो जाएगी। और वो मसाले लिए हमने वो पीस के डालेंगे, दिखाते हैं आपको। 8 से 10 मिनट लगेंगे इसे गोल्डन होने में प्याज को। देखिए प्याज गोल्डन हो गई है हमारी, 10 मिनट लगे इसे गोल्डन करने में। चूल्हे को बंद कर देते हैं और फिर इसे निकाल लेते हैं। देखिए सारी प्याज निकाल लेंगे हम, घी निचोड़ के जो हमने ऑयल डाला है निचोड़ के सबको निकाल लेंगे। देखिए प्याज हमने सब निकाल लिए, इसे 2 मिनट के लिए हम ऐसी फरेरी करेंगे, खुशक हो जाएगी। तो थोड़ी सी हाथ से मल के और फिर दिखाते हैं आपको क्या करना है। क्रश करेंगे अच्छे से, इसे ठंडी हो जाए थोड़ी सी, और फिर दिखाते हैं आपको हमारा रोगन जोश कैसा बनेगा ये। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा बनेगा, आप देखिएगा। ये देखिए हमने ऑयल में से सारी प्याज निकाल ली थी, ये सब प्याज हमने हाथ से क्रश कर लिया ऐसी, और इसे वापसी डाल देते हैं तेल में। आप क्रश नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे था वैसे ही। इसी के साथ साथ ये गोश्त भी डाल देंगे। गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
एक से सवा किलो गोश्त है हमारा, 250 ग्राम प्याज ली थी हमने और 250 ग्राम दही। अब ये सब चीजें ऐसी डालें तो तभी मजा होगा इसमें। नमक डाल देंगे गोश्त के हिसाब से, आधा टीस्पून हम मसाले के साथ डालेंगे। देखिए गोश्त को अच्छे से इसमें फ्राई कर ले, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा गोश्त का और इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। मसालों को इसमें से छिछलन जैसी आती है गोश्त में से, लेकिन हमें नहीं आती है, हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं। गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया, अब हम इसमें पानी डाल के गलने के लिए छोड़ेंगे। 10 मिनट कम से कम गलाएंगे हम इसे। आधा लीटर के करीब पानी डाला इसमें और इसी के साथ साथ ये पोटली जो बनाई थी ये भी रख देंगे इसी में। इसका सारा मजा इसमें आ जाएगा। जरा सा पानी और डाल देंगे और इसे 10 मिनट के लिए पहले तेज आंच पे इसमें सीटी लगाएंगे और फिर हल्की आंच कर देंगे। तो 10 मिनट हमें पकाना है और पूरा हमने इसमें एक लिए, और ये हमने मलमल का कपड़ा लिया है, बिल्कुल पाक नया कपड़ा है, नया कपड़ा धो के लिया है। देखिए 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया हमने इसमें और 1 सीटी हम इसमें तेज आंच पे लगाएंगे और फिर हल्का कर देंगे। 10 मिनट के बाद फिर दिखाते हैं आपको। इतना हमने जो साबुत मसाला लिया था ये पीस लेते हैं। ये जो हमने साबुत मसाला लिया था ये पीस लेते हैं हम मिक्सी जार में डाल के और दिखाते हैं आपको। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। ये देखिए कितना अच्छे से पक रहा है, उसमें से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है अपनी की, देख सकते हैं। तो हमने 10 मिनट गला दिया अच्छे से। अब इसे खुला हुआ ही पकाना है हमें, 10 मिनट और पकाना है खुला हुआ। अभी थोड़ा सा कच्चा है ये, 10 मिनट खुला हुआ पकेगा, 10 से 12 मिनट तेज आंच पे और फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा गला हुआ। ये देखिए इसमें हम मसाले डाल देते हैं जो हमने ये लिए थे, धनिया मिर्चे और सॉल्ट पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और ये नमक है 1/2 टीस्पून, सब डाल देते हैं इसी में। पोटली अभी ना निकालें जब बिल्कुल तैयार हो जाए और दही डालेंगे, दही डालने से पहले निकालेंगे, अभी इसी में ही पड़ी रहने देंगे इसे, ताकि इसमें जो और जूस होगा वो भी निकल जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि इसे अभी पकना है। 1/2 घंटे हल्की आंच पे रख देंगे इसको और फिर इसका मजा देखना आप कितना अच्छा होगा। इसमें 2 गिलास के करीब और डाल देंगे पानी। मिर्चे तो इसमें है नहीं, कलर लाल हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इसी की वजह से कलर है इसमें। और ये खुला हुआ ही पकाएंगे। अब इसे ढक्कन नहीं लगाना है कुकर का, खुला हुआ ही पकाएंगे और फिर दिखाते हैं। ये देखिए 20 मिनट हो गए इसे पकते हुए खुला हुआ। अब इसमें से हम ये पोटली निकाल देंगे, हमने ये डाली थी। देखिए इसे ऐसे दबा के सारा इसमें जो जूस है सब निकाल देंगे। गोश्त अच्छे से गल गया जैसे हमें चाहिए था। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल गर्म हो रहा है, ये बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब इसमें हम आंच को थोड़ा हल्का कर देंगे। तो मसाला हमने पीसा था ये साबुत, ये डाल देंगे।
रोटी के साथ साथ दही भी डाल देंगे। हमने इसमें जरा सा पानी डाला था दही में, एक चम्मच के करीब दही भी डाल देंगे। इसे मिक्स करके सब अच्छे से मिला के और फिर 10 से 15 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे हम इसे, और फिर डिश में निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने सारा मिला दिया है, आंच थोड़ा तेजी रखें और इसको फिर छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे। हमें पूरा कुकर में नहीं पकाया, इसके मजा अलग होगा पक्का हुआ खुला हुआ। और अगर चाहे आप मटन या चिकन में पका रहे हो तो उस खुला हुआ पकाएंगे तो वो जल्दी पक जाएगा इसीलिए। और दिखाते हैं 10 से 15 मिनट के बाद फिर से, थोड़ी तेज आंच रखेंगे, मीडियम, तेज भी नहीं होगी और ना ज्यादा हल्की होगी, मीडियम ही रखेंगे। और फिर दिखाते हैं 15 मिनट के बाद। ये देखिए रोगन जोश कोरमा बिल्कुल तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। हमने चूल्हा बंद कर दिया, अभी भी ये पक रही है, अभी अभी बंद किया है हमने, डिश में निकाल के दिखा। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हमारे पूरे घर में ये खुशबू महक रही है। और इसमें मिर्च तेज नहीं है, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है हमने, इसीलिए इसका कलर रेड कलर है। देखिए हमारा कश्मीरी रोगन जोश बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में भी, और खुशबू भी बहुत ही है ना बेहतरीन आ रही है, खुशबू भी बहुत ही जबरदस्त आ रही है, और खाने में भी ये ऐसी लगेगा। आप हमारे तरीके से जरूर बना के देखिए और खा के कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर चाहे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।